हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा आज आपको शनि की महादशा के विषय में बताऊंगा और शनि में शुक्र की अंतरदशा में जातक के किस प्रकार के फलादेश हैं उस विषय में बताना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो मेरा वीडियो है इसमें मैं बता रहा हूँ कि एज इट इज़ यथारूप जो ऋषि पाराशर ने लिखा है उस ठीक वैसा का वैसा ही मैं बताना चाहूँगा। इसमें कोई छेड़छाड़ मैं नहीं करना चाहता हूँ, ये मेरे वीडियो की विशेष बात होगी। शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है और शनि में शुक्र का जो अंतर होता है वो 3 वर्ष 2 माह होता है। आपका जन्म नक्षत्र या चंद्रमा का नक्षत्र ही महादशा तय करता है। ओके, फैक्ट्स में बताना चाहूँगा कि आपकी जो काल चक्र की गणना है वो गणना हेतु जो कि 120 वर्ष की होती है, विंशोत्तरी दशा कहलाती है। ठीक है, ये विंशोत्तरी दशा सभी मानव के जीवन में लगती है, लेकिन सभी मानव को 120 वर्ष की आयु नहीं मिलती है। अधिकतर आयु मानव जो होते 100 वर्ष की से कम की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो नौ ग्रहों की ये दशाएं महादशा के रूप में जाती है। सभी नौ ग्रहों की महादशा चलती है। जब दशा प्रारंभ होती है या दशा का अंत होता है तो उसको दशा छिद्र कहते हैं। वो समय थोड़ा कष्टकारी होता है और इसी समय जो है ज्योतिषी लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, गंडा ताबीज वालों के पास जाते हैं, पुजारियों के पास जाते हैं, कथा कराते हैं, पूजा कराते हैं, टोना टोटके के पास जाते हैं और लुटते पिटते हैं। जो कि लोगों को ये नहीं पता कि थोड़ा सा समय ही खराब होता है, वो यदि समय निकल जाता है बाकी सारे समय पॉजिटिव होते हैं। अब शनि की महादशा मान के चलो, शनि आपका नीच और शनि की महादशा 19 वर्ष की चल रही है, तो भैया कि 19 वर्ष आप बर्बाद हो जाओगे कि बिल्कुल नहीं। कुछ आपको 1 साल 6 महीना हो सकता है प्रॉब्लमेटिक हो, बाकी 19 साल जो है आपके अच्छे बीतेंगे, ऐसा हमारा मानना है और ऐसे हमारे ज्योतिष के अपने अनुभव है। ऐसा 19 वर्ष खराब नहीं होते, क्योंकि 19 वर्ष में दूसरे ग्रहों की दशाएं भी चलती है ना। 19 में फिर 9 ग्रह की अंतर दशाएं चलती हैं, 19 में अंतर दशा में फिर 9 ग्रह की प्रत्यंतर दशाएं चलती है। तो समय बिल्कुल बदलता रहता है, थोड़ा थोड़ा समय बीच का खराब होता है, ये विशेष बात है। और इसमें लोग लूटते पिटते रहते हैं और अपना धन लुटाते हैं, तो आपको आपको भी अपने लूटने से बचना होगा, ये आपकी चिंता है, दूसरा आदमी आपको नहीं बता सकता। ग्रह अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, प्राणदशा, सूक्ष्म दशा और गोचर के दौरान फल देते हैं। कौन सा ग्रह का फल देगा यह निर्धारण के लिए ज्योतिष कुछ सिद्धांत सर्वमान्य है, जैसे ग्रह किस भाव में बैठा है उस पर कौन से ग्रह की दृष्टि है, शुभ है अशुभ है, नीच का है उच्च का है, शत्रु है मित्र राशि का विचार है, गोचर ग्रह गोचर में किस प्रकार का की दशाएं चल रही है। शनि यदि अच्छी प्लेसमेंट हो तो अच्छे फल देगा, उसी तरह से शुक्र यदि अच्छी प्लेसमेंट में होगा तो अच्छे फल देगा, ये तय है। आप चूंकि शनि की आपकी महादशा चल रही है, शनि में केतु शुक्र का अंतर चल रहा है, तो आपको शनि के कारकत्व तो जानना बहुत जरूरी है। लेकिन मैंने शनि में शनि वगैरह जो वीडियो बनाया हूँ उसमें मैंने शनि के कारकत्व के बारे में बता चुका हूँ, यहाँ रिपीट करना ठीक नहीं होगा। तो आप मेरा शनि में शनि का वीडियो से देख के कारकत्व तो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं शुक्र का वीडियो शुक्र के कारकत्व तो बताना जरूर चाहूंगा। यदि किसी जातक जातक का शनि में शुक्र का अंतर चल रहा है और उसकी हेल्थ की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रकार के कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। शुक्र में वात तथा कफ की अधिकता होती है, किसी व्यक्ति की यौन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यदि अधिक पीड़ित हो तथा अशुभ स्थान में हो तो यौन विकार तथा मैथुन संबंधी रोग होते हैं। इसका अधिकार क्षेत्र चेहरा, दृष्टि, वीर, जननांग, मूत्र प्रणाली, असुर ग्रंथि इत्यादि पर ही है। आंत्र, आंत्रपुच्छ या अग्नाशय के कुछ भाग का भी कारक होता है। यह एक जली ग्रह है, इसका संबंध शरीर की हार्मोनल प्रणाली से है। शुक्र यौन विकार, जननांग के रोग तथा मूत्र प्रणाली, चेहरे के रोग, नेत्र रोग, मोतियाबिंद, श्वेत कुष्ठ रोग, मैथुन जनित रोग, मधुमेह, जहरबाद, मूत्रमार्ग संकुचित होता है, गुर्दे तथा मूत्र थैली पथरी आदत। देखो, जननांग से संबंधित रोग के बारे में है, क्योंकि यह सेक्स का कारण, शुक्र यौन विकार मतलब सेक्स का कारण है और सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है, सेक्सुअल डिजीजेस हो सकती है। अब शुक्र के कारक जनरल, शुक्र जवानी का कारक है, यौन प्रौणावस्था, नेत्र, शारीरिक आकार, नीले काले बाल, मूल मूल मूत्र, नेत्र नलिका, द्विज, मैथुन प्रीता, गर्व, राजसी प्रकृति, यजुर्वेद, वैश्य सौंदर्य, है ना, नृत्य संगीत आनंद, स्त्री पुरुष के हंसी मजाक का आनंद, वायलिन बांसुरी में आनंद लेना, टहलना, सत्य बोलना, कलाओं में निपुण, जल क्रीड़ा आदि आदि। ओके, इसके बाद पति पत्नी के संबंध, दिन में जन्मे जातक, माँ का कारक, श्वेत रंग, विवाह, खट्टा नियंत्रण, यश, ख्याति, खांसी, पखवाड़ा, स्थिरता, आय, अच्छे वस्त्र, पुष्प, वाहन, चांदी, माता, जितनी ऐशो आराम की चीज वो सब चीज, हाथी, घोड़े, वाहन सब इसी से, बहुमूल्य पत्थर, रत्न, रसिक पूर्ण, खेलों की आसक्ति, श्वेत वस्त्र आदि चीज आदि जो कारक हैं ये सब शुक्र से जाने जाते हैं। शुक्र जो है मीन राशि में उच्च का कहलाता है, 27 डिग्री में उसकी 0 से 27 डिग्री होनी चाहिए। नीच कब कहलाता है शुक्र? कन्या राशि में नीच का कहलाता है। कन्या मतलब 6 नंबर और मीन मतलब 12 नंबर। ठीक है, तो कन्या में 0 से 27 डिग्री का यदि होगा तो वो नीच का कहलाएगा। और मूल त्रिकोण राशि उसकी होती है तुला, 0 से 15 डिग्री में। ये डिग्रियों का बड़ा अपना महत्व है। कभी कभी हो सकता है कि आपका नीच का हो सूर्य
लेकिन वो उसकी डिग्रियां इतनी कम हो, 0 डिग्री का हो तो भी शायद नीच के फल ना दे। हो सकता है उच्च का हो लेकिन 0 डिग्री का हो, या 1 से 2 डिग्री का, 3 डिग्री का हो तो भी उच्च के फल ना दे, या हो सकता है नीच का हो लेकिन 27 डिग्री का नहीं है वो, 28-29 का डिग्री हो तो नीचत्व में उसकी कमी आ जाए, ये भी संभावना रहती है। शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा में विशेष फल थ्योरी नंबर 1, ये मैं कन्या लग्न की कुंडली से आपको बता रहा हूँ, और ये भी सिद्धांत जो है सभी लग्नों की कुंडली में अप्लाई होता है, मेष से लेके मीन लग्न तक की कुंडलियों में अप्लाई होता है। यहाँ पे मैं लग्न बोल रहा हूँ ना कि राशि। शनि की दशा में शुक्र का अंतर हो, शुक्र यदि केंद्र त्रिकोण में स्वच्छ स्वराशि में 11वें भाव में शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो तो स्त्री पुत्र धन आरोग्य घर में कल्याण राज लाभ राजा की कृपा से सुख सम्मान वस्त्र आभूषण वाहन आदि अभीष्ट वस्तु का लाभ, उस समय बृहस्पति अनुकूल हो तो भाग्योदय और संपत्ति की वृद्धि, शनि गोचर में अनुकूल हो तो राजयोग या योग क्रिया की सिद्धि होती। देखिए यदि आपकी कन्या लग्न की कुंडली में, तो उदाहरण से बता रहा हूँ, कोई भी लग्न में ये बात फिट हो सकती है, मान के चलो आपकी मीन लग्न की कुंडली है या मेष लग्न की या मिथुन लग्न की कुंडली हो या वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, और शनि लग्न से केंद्र त्रिकोण में बैठा है, देखिए केंद्र स्थान है ठीक है, और ये त्रिकोण है, ये पांचवा स्थान त्रिकोण है, इसको धन स्थान भी बोलते हैं, ये नौवा स्थान धन स्थान कहलाता त्रिकोण है, ऐसी स्थिति में आपको और अच्छे फल देगा। यहाँ पे शुक्र स्वराशि में बैठा है ठीक है, यहाँ पे शुक्र उच्च का है मीन में, और यहाँ पे लग्न में बैठ के शुक्र नीच का है। देखो कन्या लग्न में यदि शुक्र लग्न में बैठ जाए तो शुक्र नीच का हो जाता, ऐसी स्थिति में भी फलादेश परिवर्तित हो सकते हैं, जहाँ अच्छे फलादेश की बात आ रही है उस फलादेश में कमी हो सकती है। तो यदि ऐसी स्थिति होगी तो निश्चित रूप से सुख शनि अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन ये भी कह रहा है कि यदि आपकी ऐसी दशा चल रही है, आपकी शनि में शुक्र की दशा चल रही है और बृहस्पति और शनि गोचर में अनुकूल हो, अच्छी अच्छी स्थिति में हो, तब आपको शुभ फल देंगे। ज्योतिष में हजारों प्रकार की किंतु परंतु लगी रहती है, और अधिकतर मामले में 90% बुरे रिजल्ट होते हैं और 10-20% मामलों में अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि कलयुग में पदम पदम विगदाम, कलयुग में कोई सुखी नहीं है, हर एक आदमी के मानव के जीवन में संकट आते रहते हैं, तो कोई डर की भय की बात नहीं होनी चाहिए। थ्योरी नंबर 2, शनि यदि नीच में हो, अस्त हो या 6, 8, 12 में हो तो स्त्री को कष्ट, स्थान नाश, मानसिक व्यथा और स्वजन से कला होता है। अब स्त्री को कष्ट, स्थान नाश मतलब हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए या आपका घर परिवर्तित हो जाए, मानसी व्यथा स्वजन से कलह, परिवार में कलह होती है। कन्या लग्न की कुंडली में उदाहरण फिर बता रहा हूँ, शनि देखिए लग्न से ठीक है, यहाँ पे वो 6वें भाव में और 8वें भाव में वो 12वें भाव में बैठा, ऐसी प्लेसमेंट में शनि से अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद नहीं रहती, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, इसके भी शांति उपाय, शांति करो और खुश रहो। शुक्र यदि दशापति से, दशापति यहाँ पे मैं कन्या लग्न की कुंडली है, दशापति से आपको कुंडली बनाना पड़ेगा, तो यदि आपकी शनि में शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र की अंतरदशा चल रही है, तो दशापति आपका शनि कहलाएगा, तो आपको शनि की कुंडली बनानी चाहिए। मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पे शनि बिठा दिया, मान के चलो किसी जातक की कन्या लग्न की कुंडली है और लग्न में शनि बैठा, तो मैंने यहाँ बिठा के ऐसे बता दिया कि दशापति से शुक्र यदि केंद्र में, ये सब चार पहला भाव केंद्र, ये केंद्र में बिठा ला और यहाँ पे बैठा रहा, इसको स्वराश 9वें स्थान पे और इसको यहाँ पे लाभ स्थान पे बैठा ला, ये 9वें स्थान पे या 11वें स्थान लाभ स्थान पे हो तो क्या होगा, इसमें सब पॉजिटिव बताया, राजा की कृपा से इष्ट सिद्धि दान धर्म तीर्थ यात्रा हो सकता है, आप कहीं यात्रा करो, शास्त्र में प्रवृत्ति, अच्छे शास्त्र पढ़ो, काव्य रचना, कवि का शुक्र कवि का भी संकेत है, यदि किसी की कुंडली में कोई कवि है उसकी कुंडली में निश्चित रूप से कवि शुक्र की अच्छी प्लेसमेंट होती है, काव्य रचना वेदांत आदि कथा श्रवण स्त्री पुत्र आदि से सुख का लाभ भी होता है ठीक है। तो शुक्र कवि का भी प्रतीक है, कविता का भी प्रतीक है, तो ऐसी प्लेसमेंट हो यदि शनि से शुक्र अच्छे स्थान पे हो, केंद्र स्थान पे हो, 9वें स्थान पे हो, 11वें स्थान पे हो, तो निश्चित रूप से लाभ ही लाभ होगा, अच्छे रिजल्ट की बात कही गई है। शुक्र यदि दशापति से 12, 6, 8 में हो तो नेत्र रोग, ज्वर, आचार हानि, दंत रोग, हृदय में, हृदय रोग, गुदा मार्ग में सूल, जल में डूबने और वृक्ष पर गिरने का भय, राज दरबारी और सहोदरों से विरोध होता है। देखिए ये भाषा मैंने ज्योतिष की इसलिए ऐसे लिखी है कि आपको पता लगे कि मूल ज्योतिष की किताबों में क्या लिखा है, और टीवी में जो बैठे लोग लच्छेदार भाषा में गेटअप बनाए हुए, रंगाई पुताई किए हुए, अपनी कैसी बातें करते हैं, आपको कैसे भ्रमित करते हैं, मूल ज्योतिष है 3000 साल में लिखी, इस तरीके की भाषा है वहां पे, अभी सब चीजें परिवर्तित करके लोग बताते हैं ठीक है, और खूब सारी मनगढ़ंत कहानी भी अपनी से कहते रहते हैं।
कन्या लग्न की कुंडली में बता रहा हूँ, दशापति, दशापति यहाँ शनि है, मान के चलो कन्या लग्न की कुंडली में शनि यहाँ बैठा है, हो सकता है आपकी मीन लग्न की कुंडली और शनि यहाँ बैठा तो ऐसी कुंडली बन जाएगी। तो यहाँ पे दशापति से छठवें भाव में, आठवें भाव में और बारहवें भाव में हो शनि हो तो नेत्र रोग की प्रॉब्लम बता रहा है, बुखार हो जाए, आचार हानि, मतलब मान सम्मान में कमी हो जाए, दांतों के रोग हो जाए, हृदय रोग हो जाए, गुदा मार्ग में सूल, जल में डूबने से मृत्यु हो सकती है आपकी, वृक्ष में गिरने से, वृक्ष में गिरने से मतलब हो सकता है कि आप कोई बिल्डिंग से गिर जाओ या कहीं भारी एक्सीडेंट हो जाए, आपका कार गिर जाए, इस तरीके की बात हो सकती है। ठीक है, राज दरबारी सहोदरों से विरोध, अब हमारा राज दरबार तो नहीं था, हमारी राज दरबार मतलब सरकार, सरकार से विरोध हो जाए, आपके घर में छापा पड़ जाए और आपके टैक्स चोरी में पकड़े जाओ, भाइयों से विरोध हो जाए, भाइयों संपत्ति का बंटवारा, झगड़ा हो जाए संपत्ति को लेकर, कुछ भी हो सकता है। शुक्र यदि द्वितीय से सप्तमें सो शरीर में कष्ट, उस दोष के शांति दुर्गा सप्तशती पाठ, गोदान महिष दान करें तो दुर्गा की कृपा से आरोग्य सुख प्राप्ति होती। देखिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कह रहे हैं ऋषि पारसर, टोटका नहीं बता रहे हैं और पुखराज भी नहीं बता रहे हैं, आप लोगों को तो खूब पुखराज पहनने का शौक है, हीरे मोती वाले पुखराज पहनो और लाभ कुछ होता नहीं है उससे, ठीक है आपकी इच्छा पहनो भाई, हम क्या कर सकते हैं, हम तो मना ही कर सकते हैं। कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र जो है द्वितीय स्थान का स्वामी है, ये तुला राशि है और ये मार्केस हो जाता है, ऐसी स्थिति में शुक्र से बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं है, तो इसका उपाय बताया दुर्गा सप्तशती का पाठ। ओके, शुक्र यदि द्वितीय सप्तमेश हो तो इसमें फार्मूला वही है, मेष लग्न की कुंडली में, यहाँ जो शुक्र मेष लग्न की कुंडली में, विशेष बात बता रहा हूँ, मेष लग्न की कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं माना जाता, यहाँ पे ये मार्केस है वृषभ राशि में या तुला राशि में मार्केस है, ठीक है, ऐसी स्थिति में भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करो और खुश रहो, लूटपाट से बचो। एक खास बात बता रहा हूँ, यदि शनि की महादशा में शुक्र की भुक्ति यानी शुक्र की अंतर हो या शुक्र की महादशा में शनि की भुक्ति हो, शुक्र की दशा में शनि की भुक्ति हो तो मनुष्य की आर्थिक स्थिति खराब होती है। ठीक है, अब ये बात तो एक सिद्धांत है, शनि की महादशा में शुक्र का अंतर हो और शुक्र की महादशा में शनि का अंतर हो तो मनुष्य की आर्थिक हालात खराब होते हैं, ये कई कुंडलियों में ये बात सटीक सिद्ध हुई है, तो इसका उपाय है कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें, आपको धन्य धान्य होंगे, आपकी सारी गरीबी दूर होगी। मैंने एक वीडियो बनाया हूँ मेरे चैनल में, जाके देखिए कनक धारा स्त्रोत का वीडियो आपको मिलेगा। एक विशेष बात, धनु अथवा मीन लग्न के लिए ये फॉर्मूला नहीं बैठता, धनु अथवा मीन लग्न के कोई जातक हो तो उनको शनि की महादशा में शुक्र की भुक्ति हो, शुक्र की महादशा में शनि की भुक्ति हो तो मनुष्य को धनदायक होता है। धनु लग्न और मीन लग्न के जातकों को बधाई, यदि आपकी शनि की दशा में शुक्र चल रहा है और शुक्र की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है तो आपको फायदे होंगे, धनदायक स्थिति आपके लिए बनेगी, ऐसा भावार्थ रत्नाकर ज्योतिष की एक फेमस किताब है जिसको के एन राव साहब दिल्ली के फेमस एस्ट्रोलॉजर बहुत मान्यता देते हैं और साउथ के भी एस्ट्रोलॉजर बहुत मान्यता देते हैं, उत्तर भारत के एस्ट्रोलॉजर भी बहुत मान्यता देते हैं, वो छोटी सी पतली सी किताब भावार्थ रत्नाकर जिसमें कई गूढ़ रहस्य निकले हैं और ये बात बिल्कुल सही है। मेरा स्वयं का सिलेक्शन जो है शनि की मेरी तो मेष लग्न की कुंडली है, मेरे लिए तो बहुत हानिकारक था, लेकिन स्वयं की मेरा भी जो जब शनि की दशा चल रही थी, शनि में शुक्र में ही मेरा पीएससी में सिलेक्शन हुआ था, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि कोई भी फार्मूला हमेशा गलत नहीं होता और कोई भी फार्मूला हमेशा सही भी नहीं होता। ठीक है, तो इसमें ज्योतिष में एक बैलेंस होना चाहिए, कोई भी ग्रह हमेशा आपको नुकसान नहीं देगा, यदि शनि की आपकी दशाएं चल रही है, शनि खराब भी है आपका, नीच का भी है, तो हमेशा आपको नुकसान नहीं देगा, ये आप जान लेना और बिना डर के बिना भय के अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। शनि गुरु शुक्र कोई भी आपको सफल नहीं करेगा, सफलता मिलेगी आपकी मेहनत लगन से, और शनि के चक्कर में जो रहा तो उसका बर्बाद होना तय है। ठीक है, ग्रह शांति के उपाय में स्पष्ट लिखा है कि सूर्य से लेकर राहु केतु शनि के मंत्र बताएं, उससे ग्रह शांति होती है। ऋषि पारसर ने स्वर्ण दान चांदी दान, स्वर्ण की मूर्ति की प्रतिमा, छाग दान, भैंस दान, बकरा दान, गाय दान, काली गौ का दान, अश्वदान, घोड़ादान, दुनिया भर की बात ऋषि पारसर ने लिखी है, लेकिन ये ज्योतिष आज से 3000 साल पहले लिखी गई है, जो राजा महाराजाओं के लिए थी। आपको इस प्रकार का कोई दान नहीं करना है, गरीबों के लिए कोई दान नहीं है, राजा महाराजाओं के लिए दान थे, ज्योतिष केवल द्विज लोगों के लिए थी, क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मणों के लिए थी, है ना। अब तो झोपड़पट्टी का आदमी भी ज्योतिषी के पास जाके अपने भाग्य को पूछता है कि मेरा क्या तरक्की होने वाली है, तो जो गरीब आती है उसको दान नहीं देना, उनके लिए सुस्ते उपाय है दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्र जप, महामृत्युंजय जप, ओम त्रियंबकम यजामहे वाला बहुत अच्छा है, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, शिव की पूजा, ओम नमः शिवाय का जप, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत या ओम घणीसूर आदित्य मंत्र, जो भी ले लो आप करें और बिना डर के करें, डरने नहीं, कंपटीशन वाले शनि के चक्कर में रहो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, समझे।
भगवान शनि प्रतियोगिता वाले छात्र को नहीं सताता, मैं लिखित में देता हूँ आपको। जो स्टूडेंट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जो स्कूल का जाने वाला छात्र है, वो शनि राहु मंगल केतु काल सर्प योग और दुनिया भर के टोटके के चक्कर में ना पड़े। वो केवल अपना कॉम्पिटिशन अपने उसको उसके लिए भगवान क्या होना चाहिए, उसका भगवान उसका सिलेबस होना चाहिए, उसका सिलेबस ही भगवान है। और जो अपने सिलेबस की पूजा करेगा वो तो टॉप करना ही करना है। गर्भवती माताएं और किशोरी बालिकाएं, एडल्ट जो गर्ल्स हैं, वो प्रेग्नेंट लेडी हैं, वो कभी कभी भूल कभी व्रत ना रहें। उनको अच्छे खाने पीने की ज़रूरत है, पौष्टिक तत्वों से भरपूर वो खाएँ और सुखी रहें। आपको कोई प्रॉब्लम है कोई भी जाप कर लीजिए, आपका शनि में शुक्र चल रहा है तो आप माँ दुर्गा की थोड़ी सी दुर्गा सप्तशती का एक पाठ कर लीजिए, एक या आधा, ओके। क्योंकि 13 पार्ट है उसमें, 13 तो रोज करोगे तो बेहोश हो जाओ, गिर जाओ, चक्कर जाए, ओके। आप एक पार्ट कर लीजिए और बिना टेंशन के रहिए। नवग्रह स्त्रोत एक ऐसा उपाय जो निःशुल्क है, एक बार नवग्रह का स्त्रोत करने से पूरे 9 ग्रहों की पूजा एक साथ हो जाती है। दुनिया में इससे सरल तो कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको एक बात और खास बताना मैं चाह रहा हूँ, यदि आप माला जाप करते हो तो एक माला में करिए, क्योंकि एक माला में 108 गुड़िया होते हैं और ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं, उसके चार चरण होते हैं, 27 में चार का गुणा करोगे तो 108 होता है। तो माला का 108 का बहुत रहस्य है, एक माला में 108 होता है। यदि कोई शुद्ध मन से कोई भी मंत्र उसकी जो इच्छा वो कर ले तो उसकी गृह शांति होगी 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 होगी। ऋषि पाराशर ने कम से कम 8 या 9 बार विष्णु सहस्त्रनाम का जिक्र आया है। तो आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, गीता प्रेस से खरीद लीजिए। ये गीता प्रेस का नंबर 206 नंबर की बुक है और एक 1801 नंबर की बुक है, ये खरीदिए, इसका पाठ करिए तो आपकी गृह शांति होगी। ये 100% सत्य, आपको लूटने पिटने से बचाना ही हमारा उद्देश्य। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको मेरा वीडियो आपको यदि अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हरे कृष्णा।